والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت اس کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر ان کی قوموں اور ان کی برائیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ کس کس کو کیا سزا ملی, کون زمین میں دھسا دیے گئے, کسی کو ڈبو دیا گیا, کسی کو چنگھاڑ نے آ لیا, تاکہ آنے والے پہلی گزر جانے والی قوموں کا حال سن کر ان برائیوں کو نہ اپنائیں اور اپنے آپ کو نافرمانی سے بچائیں. ان کی مثال بیان کی گئی کہ جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں, ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی, اسپائڈر, عنکبوت. یہ مکڑی اپنے لیے بناتی ہے گھر, مگر وہ کمزور ترین گھر ہوتا ہے. بتوں کو پوجنے والے ان سے امیدیں وابستہ کرنے والے ان کا حال مکڑی جیسا ہے. مکڑی اپنا گھر جو بناتی ہے گرمی اور سردی میں
उसमें रहने का प्रोग्राम बनाती है, हालांकि उसका घर ना उसे गर्मी से बचा सकता है, ना सर्दी से बचा सकता है, ना बारिश से बचा सकता है, ना ही दूसरी तकलीफ़ों से, बल्कि थोड़ी सी हवा से ही वो उड़ जाता है। ऐसे ही वो बुत जिनको लोगों ने माबूद बना लिया है, वो पूजने वालों को कोई नफ़ा या नुकसान नहीं दे सकते। सराब आपको चलते हुए नज़र आता है कि जैसे आगे पानी है, मगर जब करीब जाते हैं तो पता चल जाता है कि पानी नहीं है, बल्कि वो नज़र का धोखा था। इस आया करीमा में इशारा है कि जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं, उसी पर सहारा करते हैं, वही ईमान वाले हैं। उनकी मिसाल उस घर की है जो पत्थरों से तैयार किया जाए और उसके गिर्दा गिर्द इर्द गिर्द ऐसी दीवार खींची हो कि उसमें शुरूर शर की जमा घुसने का इम्कान भी ना हो, और उसकी छत ऐसी मजबूत हो कि उसमें सर्दी और बारिश के पहुंचने का तसव्वुर तक ना हो। हमें याद रखना चाहिए, हमारी ख्वाहिशात अगर सही नहीं होंगी तो वो हमें बर्बाद कर देंगी। ख्वाहिशात का होना बुरी बात नहीं, ख्वाहिशात की तहजीब करनी चाहिए, जांचना चाहिए कि कौन सी ख्वाहिश दुरुस्त है, कौन सी गलत है। हमें रहनुमाई के लिए पूरे इंतज़ामात मिले हैं, क़ुरान मिला है, नबी पाक के इरशादात मिले हैं, उनकी सीरत तय्यबा हमारे सामने है। सबसे कमज़ोर घरों में से मकड़ी का घर बताया गया, सबसे ज़्यादा कमज़ोर घर। हशरातुल अर्द, ये कीड़े मकोड़े जो घर बनाते हैं, मकड़ी का घर उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर होता है, इसलिए कि ना तो उसकी कोई बुनियाद होती है, ना दीवार होती है, ना छत होती है, और वो उनको मौसमों से या बारिश वगैरह से बचा नहीं सकता। इसी तरह अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करने वाले जान लें कि वो भी बेबुनियाद, क्योंकि उसमें किसी फ़ायदे की कोई गुंजाइश नहीं है। इल्म जानना इंसान को अक्ल दी गई तमीज़ के लिए, पहचाने कि ये मकड़ी कर क्या रही है, ये ताना बाना खड़े धागे दूसरी तरह के अपने जो भी होती है अपने लिए कैद खाना बनाती है, और वही घर उसकी मौत का सबब बन जाता है। तो वो बज़ाहिर तो घर है लेकिन असल में कैद खाना। ऐसे ही लोग जो अल्लाह के सिवा किसी की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो यही उनकी इबादत, यही उनकी पूजा उनके लिए वबाल बन जाएगी।
क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अगर कोई किसी और की इबादत करेगा तो उसकी सज़ा उसी तरह कैद खाना बनेगी, वो जहन्नम में जाएंगे और उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। हमें मिसालें देकर समझाया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है, हमारे लिए मेहरबानी की जा रही है। अशरफुल मखलूकात हो, अक़ल वाले हो, गौर करो, हकीकत को पहचानो। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह यालमु मा यदउन मिन दूनिही मिन शई, बेशक अल्लाह जानता है जिस चीज की उसके सिवा पूजा करते हैं। यदउना का माना यहां याबुदून लिखा गया, पुकारना और इबादत करना। मैं इस हवाले से बहुत गुफ्तगू कर चुका हूं, मगर मौका आया है तो एक मरतबा फिर आपके सामने कुछ बातें करूंगा। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत हो सकती, ऊंची कहिएगा, नहीं। अब दूसरी बात आई कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारना। अगर सिर्फ पुकारना कहेंगे तो फिर बाप बेटे को, बेटा बाप को, भाई भाई को, दोस्त दोस्त को पुकार रहे हैं, आका मुलाजिम को पुकार रहा है, फिर सबकी पुकार किस हुक्म में जाएगी, क्या गुंजाइश रह जाएगी? कभी सोचा, गौर किया तो माना क्या होगा? इबादत के लायक समझ कर किसी को पुकारना, हकीकी मुस्तान, मुस्तान मदद करने वाला, हकीकी तौर पर मदद करने वाला अल्लाह के सिवा किसी को समझ कर पुकारना। बुत हों, फरिश्ते हों, सितारे हों, लोग हों, चीज़ें हों, अल्लाह के सिवा कोई भी खुद से नहीं है। ये बात अटल, इसमें कोई दूसरी राय ईमान वाले के पास नहीं है। सूरज हो, चांद है, सितारे हैं, आग है, हवा है, पानी है, जितने लोग अल्लाह के सिवा इन मज़ाहिर कुदरत की पूजा करते हैं या बुत बना लेते हैं, जिस चीज़ का चाहें बना लें, स्टैचू बना लें, उसकी पूजा करें, या किसी बंदे को अल्लाह की मखलूक में इंसान को इबादत के लायक समझ लें, कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, मसला आ गया कि अल्लाह के सिवा किसी को पुकारा जा सकता है या नहीं। अहले अरब, अरब वाले जो मुसलमानों को बेवकूफ़ कहते थे, माअज़ल्लाह, जाहिल या गंवार कहते थे, कहते थे तुम्हारे नबी का रब कैसा है, मक्खियों और मकड़ियों की मिसाल देने से हया नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने उनको जवाब दिया, वतिलकल अमसाल नदरे बुहा लिन्नास,
अक़ल वाले कहलाते हो, खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हो, तो देखो यही मिसाल है। और उन लोगों के लिए जो आगे से एतराज़ कर रहे हैं, उन्हीं को बताया जा रहा है, तुम अपने आप को अक़ल वाला कहते हो, समझदार कहते हो, अगर वाकई अक़ल वाले हो, जानने वाले हो, तो देखो ये रब चीज़ें सारी रब ने ही बनाई हैं। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा काबिल समझते हो, इल्म वाले हो, तो गौर क्यों नहीं करते, ध्यान क्यों नहीं देते? ये उनके लिए जवाब हो गया। अब सवाल आया कि अक्ल को क्या दर्जा हासिल है और इल्म को क्या दर्जा हासिल है। तो जान लीजिए कि अक्ल पर इल्म को फजीलत हासिल है, क्योंकि हर इल्म वाला अक्ल वाला होता है, लेकिन लोग बाज़ अक्लमंद तो होते हैं मगर आलिम नहीं होते। अक्ल एक कुव्वत है जो इल्म को कबूल करने के लिए तैयार की गई है, इसीलिए ये कहा जाता है कि जिस कुव्वत के ज़रिए इल्म के लिए इंसान इस्तेफादा करता है, फ़ायदा हासिल करता है, उसे भी अक्ल कहते हैं। इसीलिए अक्ल के हवाले से लोगों ने बहुत कुछ लिखा। अल्लामा इकबाल कहते हैं, गुजर जा अक्ल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। दूसरे मकाम पर कहते हैं, अक्ल अय्यार है, सौ भेस बना लेती है। उनके इस हवाले से और भी शेर हैं, अगर आपकी आंख में रोशनी ना हो तो सूरज की रोशनी आप देख सकते हैं? पूछ रहा हूं, नहीं। इसका जवाब आपने कैसे दिया? अक्ल से। तो अक्ल जानने के लिए है, अक्ल के जरिए हम चीज़ों को जानते हैं, पहचानते हैं, मगर इल्म जो है उसका दर्जा ज़्यादा, क्योंकि उसी को हासिल करने के लिए हम अक्ल इस्तेमाल करते हैं। एक बयान है कि अल्लाह ताला ने अक्ल से ज़्यादा मुकर्रम शय कोई पैदा नहीं फरमाई। बंदे का कोई काम उससे अफजल नहीं जो उसे अक्ल, समझ, फहम, ये आगे उसके सिलसिले हैं, तो उसको अक्ल नसीब हुई, हिदायत की तरफ ले जाए या बुराई की तरफ ले जाए। तो अब पता चल गया कि अक्ल सलीम होती है तो आपको रहनुमाई करती है, सही आपको राह दिखाती है, और ये अक्ल अगर आप इससे सही काम न लें तो यही आपको बुराई की तरफ ले जाती है। अक्ल की किस्में कितनी हैं, उसके हवाले से भी बयान मिलते हैं हमें, अगर हम गौर करें और ध्यान दें। कहते हैं अक्लें दो हैं, कस्बी
تعلیم سے حاصل کرتے ہیں، جیسے بچہ مدرسے میں اسکول میں جا کے حاصل کرتا ہے، کتاب سے، استاد سے، فکر و ذکر سے، علوم و معانی سے. اگر آپ کا استاد یا جو چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے تو آپ اس عقل سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہاں پھر ایک بات کر دوں، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا، یہ بات یاد کر لیں، علم کسی چیز کا برا نہیں ہوتا. آپ اس کو استعمال کیسے کریں، اسے کیسے کام میں لائیں، پھر وہاں سے آپ کو اچھائی یا برائی کا. مثلاً ایک شخص کو چوری کا علم ہو جائے کہ چوری کیسے ہوتی ہے، تو اب وہ اس سے بچ سکتا ہے یا نہیں؟ اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ چوری ہوتی کیا ہے تو کیسے بچے گا. تو علم کسی چیز کا بھی برا نہیں. جادو کا علم ہو جائے کہ جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کیا ہوتا ہے، تو اتنا علم برا نہیں. اس کا استعمال کیسے ہوگا، وہ آگے اس سے کیا کرے گا، وہ اچھائی اور برائی کا اس سے فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، دن اور رات کے سلسلے بنائے، کائنات بنائی ہے. عقل والو دیکھو، پتھر بھی اسی نے بنایا ہے، مکڑی کو بھی اسی نے بنایا ہے. قوت اور کمزوری کو دیکھنا ہے تو وہ بھی پہچان لو. آج ہمارے ہاں کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے شخص کو کہتے ہیں پڑھا لکھا، مدرسے کے پڑھے ہوئے کو شمار نہیں کرتے. اے جی، نماز روزے کے مسئلے جانتا ہے. مجھے بتائیں، ایک صحیح عالم جس نے باقاعدہ پورا علم حاصل کیا ہے دین کا، انہی کے نام اگر میں شروع سے گنانا شروع کروں، حضرت ابو بکر سے لے کر آج تک، تو کیا کوئی کالج یونیورسٹی ان جیسا بنا سکی؟ کوئی ان جیسی مثال دے سکی؟ غزالی کون تھے، رازی کون تھے، جامی کون تھے، رومی کون تھے، ان جیسا کوئی پیش کر سکی؟ نہیں. تو اب جاننا ہوگا کہ کیا چیز کا جاننا علم جاننے کو کہتے ہیں، کون سا جاننا کمال ہے. اگر دو اور دو چار جمع تفریق کے سوال آپ کے نزدیک علم ہے، الجبرا ہے، تو یہ دیکھیں کہ یہ علم جنہوں نے آپ کو سکھائے ہیں وہ کون ہیں. اور پھر بات کہاں تک جائے گی، میرا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، بات نبی تک چلی جائے گی. تو نبی کا استاد کون ہے؟ اللہ تعالی. بات سمجھ میں آئی؟ میں اس کو پھیلا نہیں رہا لیکن بتا رہا ہوں. آج ہم لوگ حقیقت کو پہچاننے کی بجائے، حقیقت کو جاننے کی بجائے کھوئے ہوئے ہیں ادھر ادھر. اس لیے ہم سیدھے راستے کے لیے خود ہی مشکلات بنا رہے ہیں. انسان کو عقل سلیم مل جائے، یہی عقل سلیم اس کو سیدھی راہ کی طرف لگاتی ہے، اور عقل سلیم نہ ہو تو یہی بہکا دیتی ہے. اب آئیے یدعونا اور یعبدونا کی بات کر لو. مہینہ ہے ربیع الاخر کا، کل پرسوں لوگ سالانہ بڑی گیارہویں شریف بھی منائیں گے. دنیا بھر میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سال ثواب کیا جائے گا. ایک وظیفہ پڑھا جاتا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. گرامر کے لحاظ سے عبد القادر پڑھنا چاہیے، مگر سماعی جیسے سنا ہوا ہے بزرگوں سے، اس کو سماعی کہتے ہیں، کہ جیسے سنا ہے
अब वो सही है या नहीं है, जैसे सुना है बुज़ुर्गों की ज़बान से, हम अपनी अकल नहीं लड़ाएंगे बल्कि उन्हीं की पाबंदी करेंगे। ठीक है। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह के माना क्या हैं? ए शेख, शेख के माने उस्ताद के, शेख के माने रहनुमा के, शेख के माने बूढ़े के भी होते हैं वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर शेख का लफ्ज़ हम उस्ताद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ए हमारे बुज़ुर्ग उस्ताद अब्दुल कादिर जीलानी नाम है। शैअन लिल्लाह, अल्लाह के लिए कुछ दो, इसको कुछ लोग शिर्क कहते हैं, हालांकि उनकी अपनी किताबों में उन्होंने भी लिखा जिसके लिए चाहा। मसलन थानवी साहब ने गंगोही साहब के लिए लिखा या सैयदी लिल्लाहि शैअन अन्नहु, उस वक्त उनको फतवा याद नहीं रहा, गौसे पाक के लिए पुकारा जाए तो फतवा लगाते हैं। वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून, कुरान में है, डरो अल्लाह से जिसका नाम लेके सवाल करते हो। आपके पास भिकारी आता है, आप उर्दू में उसको फ़कीर कह देते हैं, फ़कीर भिकारी को नहीं कहते, मगर हमारे यहाँ पुकारा जाता है मांगने वाले को, लोग फ़कीर कह देते हैं। फ़कीर मांगने वाला नहीं होता, भिकारी। वो आके कहता है अल्लाह के वास्ते कुछ दो, ऐसा ही कहता है, पूछ रहा हूँ। इंग्लिश वाले फॉर गॉड सेक, वो गॉड कहते हैं अल्लाह को, हालांकि अल्लाह को गॉड नहीं कहना चाहिए, गॉड की प्लूरल जमा होती है गॉड्स, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, उसका कोई किसी तरह शरीक नहीं। चलो फॉर अल्लाह सेक, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते फतवा लगाओ। वहाँ फतवा नहीं लगाते, मैंने गौसे पाक को कह दिया अल्लाह के लिए कुछ दो तो फतवा लगाते हैं। क्यों? मैं पहले बता चुका कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अब दूसरी बात ये सुन लें कि कुरान ने बुतों की, जिनको पूजा जाता है, उनकी ताजीम का हुक्म नहीं दिया। ताजीम क्या है, इबादत क्या है, ये भी आप सुनते रहते हैं। गायत तजल्लुल व निहायत तज़ीम इबादत के लिए कहते हैं, अपने आप को पस्त करना और अल्लाह के लिए सबसे ज्यादा रुतबा मानना। आप अपने जिस्म का सबसे बुलंद मकाम, जिसको पेशानी या माथा कहते हैं, जमीन पर लगा देते हैं और कहते हैं सुबहान रब्बी अल आला, मेरे जैसा पस्त कोई नहीं, या अल्लाह तुझ जैसा बुलंद कोई नहीं। यही एतराफ करते हैं ना, अपने माथे को जमीन पर लगा कर। बात जो करनी है वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई नबी, कोई वली, कोई शय, मज़ाहिर कुदरत, कुदरत जिनसे जाहिर होती है, इनमें से कोई भी इबादत के लायक नहीं। ये तयशुदा चीज़ है। अब बुतों की ताज़ीम का हुक्म नहीं दिया गया, नबी वली की ताज़ीम का हुक्म दिया गया। अब दूसरा जुमला याद करना है, हर इबादत में ताज़ीम है, हर इबादत में क्या है, मगर हर ताज़ीम इबादत नहीं है, ये भी याद करना है आपने। ये दो बातें याद होंगी आपके जहन में, खुद ब खुद बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। कौमी तराना खड़े होके पढ़ते हैं, झंडा लहराते हैं, ताज़ीम है या नहीं है? क्या वो इबादत हो गई? ऊंची नहीं।
आप अपने झंडे को मुकद्दस कह लें कि ये मुकद्दस झंडा है, वतन की मोहब्बत में वतन की इज्जत करते हुए आप अपने झंडे को अहमियत दे दें तो क्या ये इबादत है? ऊंची नहीं। आपने जान दिया, झुकना इन्हेना अरबी में कहते हैं, झुकना। अल्लाह के सिवा किसी के लिए झुकना नहीं चाहिए, मसला ये समझाया जाता है। मैंने ये सब कुछ अपनी किताबों में लिखा है मगर आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मुझे बार बार दोहराना पड़ता है। अल्लाह के सिवा किसी के लिए झुकना नहीं चाहिए। आपने जापानियों को या दूसरे उसी तरह के लोगों को देखा होगा, वो पूरा रुकू की तरह झुक कर दूसरे को ग्रीट करते हैं, आपको हम सलाम करते हैं, वो बकायदा रुकू की तरह झुक जाते हैं उनके यहाँ। हमारे यहाँ इस तरह किसी के लिए झुकना जायज नहीं है। रुकू की हालत बन जाए, सजदे की हालत बन जाए, किसी के लिए इस तरह झुकना जायज। मगर कुछ काम है जो झुके बगैर होंगे नहीं। अब ये तो पता चल गया कि झुकना इस तरह जायज नहीं, मगर जो काम झुके बगैर हो नहीं सकते, तो अब ध्यान से सुने, उसमें झुके इसलिए नहीं कि इबादत या ताजीम कर रहे हैं, बल्कि वो काम झुके बगैर हो सकते नहीं। मिसाल के तौर पर माँ के कदमों को चूमना, झुके बगैर कर सकते हैं ऐसा काम? पूछ रहा हूं। तो मकसद झुकना नहीं है, मकसद माँ के कदमों को बोसा देना है, और उसके लिए झुके बगैर ये काम हो सकता नहीं। तो क्या वो झुकना भी मना होगा? इन्नमल आमालु बिन्नियात, मेरे आका ने पहले ही फरमा दिया आमाल नियतों के साथ है, अमलों का दारो मदार। साहिबुन नाल, जूतियों वाले, तर्जमा ये होगा, ये एक सहाबी का लकब है। उनको कोई नाम से पुकारता तो उनको अच्छा नहीं लगता था, उनको साहिबुन नाल कहते थे, वो बड़े खुश होते थे। क्यों? उन्होंने अपनी आदत बना ली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जब कभी मस्जिद में तशरीफ लाते, वो आगे बढ़ के झुक कर नबी के कदमों से जूतियां लेते थे, और ये काम झुके बगैर नहीं। हुजूर की मुबारक जूतियां लेते, एक अपनी दाई आस्तीन में डाल लेते, एक बाई आस्तीन में डाल लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला, उनका लकब ही हो गया जूतियों वाले, वो हुजूर की मुबारक जूतियां लेते थे, उसके लिए उनको झुकना पड़ता था। मकसद झुकना था क्या? पूछ रहा हूं, नहीं, बल्कि जो काम कर रहे हैं वो जूतियों के झुके बगैर, जब हुजूर तशरीफ ले जाते वो झुक के हुजूर के कदमों में जूतियां पेश करते, हुजूर पहन लेते। अब काम ऐसा है जो झुके बगैर हो ही नहीं सकता, तो वहां झुकना मना नहीं है, क्योंकि वो काम झुके बगैर नहीं हो सकता। माँ के कदम चूमना चाहते हैं तो आप माँ से ये तो नहीं कहेंगे कि पांव ऊपर उठाएं, और 6 फुट का जवान हो तो क्या माँ का कदम इतना ऊंचा उठेगा, और क्या ये कहना बेअदबी नहीं होगी? तो वो झुकेगा, क्योंकि वो काम झुके बगैर नहीं हो रहा, तो वहां झुकना मना नहीं है, क्योंकि मकसद झुकना नहीं है। आपने ये बात जान ली। अब सजदे में भी झुका जाता है, कदम बोसी में भी झुका जाता है, शक्ल एक है नियत एक नहीं, और आमाल नियतों के साथ है, फैसला हो चुका। एक शख्स सजदे के लिए झुका ही नहीं, नियत ही नहीं है, तो उसको सजदा कह सकते नहीं।
قدم بوسی کے لیے بھی جھکنا ہے، سجدے کے لیے بھی جھکنا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرق نہیں کریں گے تو زندگی کیسے گزاریں گے۔ اب پکارنا ہے، اے بھائی، او میاں، او فلاں صاحب، او شیخ صاحب، او خان صاحب، پکارنا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو پکار ہی نہیں سکتے، زندگی گزرے گی؟ جواب دیجئے، نہیں۔ کیا کریں؟ کون صاحب ہیں یہ؟ اور جتنا بجانا ہے بجا لیجئے، جس کا ہے لے کے ان کو باہر جاؤ بھائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ آپ کو پکارنا پڑتا ہے، میاں بیوی کو پکار رہا ہے، بیوی میاں کو پکار رہی ہے، ملازم آقا کو پکار رہا ہے، آقا ملازم کو پکار رہا ہے۔ تو کیا ہر پکارنا ایسا ہو جائے گا کہ جی اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو؟ تو کوئی پکار جائز رہے گی؟ فرق کرنا پڑے گا، عبادت کے لائق سمجھ کر، حقیقی متصرف سمجھ کر، حقیقی مستعان سمجھ کر صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے گا۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، حقیقی مددگار سمجھ کر، حقیقی متصرف سمجھ کر پکارا نہیں جا سکتا۔ ہم دوسروں کو پکارتے ہیں، کسی کو پیارا سمجھ کے پکارتے ہیں، کسی کو کسی اور طرح پکارتے ہیں، لیکن فرق کرنا ہوگا۔ صرف پکارنا اگر ہے تو بتائیں کون بچے گا؟ یہ لوگ خود بھی پکار رہے ہیں، ان کا کوئی بولنے والا آئے گا، اے لوگو، تو تم نے پکارا یا نہیں پکارا؟ کہتے ہیں یا اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، یا علی نہ کہو، یا غوث نہ کہو۔ اللہ کے سوا کسی کو یا کہہ کے مت پکارو۔ یا عربی میں، اردو میں اے، انگلش میں او، اے بھائی، او برادر۔ یا کا لفظ صرف اللہ کے لیے رکھو۔ میں نے کہا قبرستان جا کے کیا کرتے ہو؟ السلام علیکم، تم نے مردوں کو یا کہہ کے پکارا یا نہیں پکارا؟ کہاں گیا فتویٰ؟ قریب سے پکارو، دور سے نہ پکارو، یہ ہیر پھیر کہلاتے ہیں۔ کیا کہلاتے ہیں؟ پہلے کہا پکارنا نہیں، پھر کہا نہیں نزدیک سے پکار لو، دور سے نہ پکارو، پھر کہا زندہ کو پکار لو، مردے کو نہ پکارو، یہ ہیر پھیر ہے، اور اس کی زد میں خود آتے ہیں، ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ چونکہ بنیاد صحیح نہیں رکھی تو عمارت صحیح بن سکتی نہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ عبادت کے لائق سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، حقیقی مددگار سمجھ کر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، متصرف، قوت سے حالت بدل دینے والا، اللہ کے سوا کسی کو حقیقی متصرف سمجھ کر پکارنا نہیں۔ اگر ہر پکار کے لیے کہو گے تو تم تو زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر قرآن پڑھو، یا ایہا الکافرون قرآن میں ہے یا نہیں؟ یا اہل الکتاب قرآن میں ہے یا نہیں؟
पानी को, आसमान को या कह के पुकारा, वकीला या अर्दुबलाई माँ अकी वयासा माँ, और किस किस को या कह के पुकारा, कुरान पढ़ो मगर तुम्हें समझने की तौफीक नहीं, क्योंकि अल्लाह ही ने फरमाया इसी कुरान से बहुत से लोग हिदायत पाते हैं, इसी कुरान से बहुत से लोग गुमराह होते हैं, सबका हाल एक जैसा नहीं। कुरान से फायदा कौन, जो पहले नबी को नूर मानकर नूर मांगते हैं और फिर उस नूर की रोशनी में कुरान पढ़ते हैं, उनको कुरान फायदा देता है। जो नबी को नूर मानते ही नहीं, ना नूर मानते हैं ना मांगते हैं, फिर उनको कुरान कहाँ से फ़ायदा दे। गलत तर्जमा करेंगे, गलत तफसीर करेंगे, ख़ुद भी गुमराह होंगे, दूसरों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह के सिवा किसी को माबूद समझ कर नहीं पुकारना, मगर महबूब समझ कर पुकारना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया काबा बनाओ, उन्होंने अल्लाह के हुक्म से बना दिया। अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिलहज, लोगों को लो हज के लिए बुलाओ, पुकारो, हुक्म दिया अल्लाह ने लोगों को। अब अन्नास, जितने अरबी जानने वाले हैं उनसे पूछें कि अलिफ लाम दाखिल है नास पर, मुराद हैं ऑल मैनकाइंड, जितने भी लोग हैं, जितने भी। 5,500 साल पहले की बात बताई जाती है, उस वक्त उनके सामने मक्का में कितने लोग थे, माइक नहीं था, स्पीकर नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। अल्लाह ने फरमाया तमाम लोगों को हज के लिए पुकारो, या अल्लाह मेरे सामने तो ये 100-500 लोग हैं, इन तक भी पूरी मेरी आवाज़ नहीं जाएगी, मैं तमाम दुनिया में मौजूद लोगों को, जो अभी नहीं है उनको भी, जो माओ के पेट में हैं, जो बाप की पुश्त में हैं उनको भी। जवाब मिला आवाज़ तुम लगाओ, पहुँचाएँगे हम, तुम आवाज़ लगाओ हम पहुंचाएंगे। फ़ज़ाइल हज किताब का नाम है, जनाब मोहम्मद ज़करिया साहब की लिखी हुई, जो तबलीगी जमात के उस्ताद, उनकी किताबें तबलीगी निसाब ये लोग पढ़ते हैं, फ़ज़ाइल हज में पढ़ लीजिए। हज़रत इब्राहीम ने पुकारा, कायनात में जितने लोग थे, रूहें थीं, बाप की पुश्त में थे, माँ के पेट में थे, कहीं थे, सब ने सुना, सब ने सुना, और जिसने लब्बई कहा सुनकर वही हज को जाएगा, ये लिखा हुआ है उस किताब में। कुरान से पता चल गया, तुम्हारी किताब के हवाले से बात वाज़े हो गई कि अल्लाह का बंदा अल्लाह के हुक्म से पुकारे, क्या शान होती है। आज ये माइक लगा हुआ है, बाहर स्पीकर है, जहां तक उसकी रेंज रसाई है वहां तक आवाज जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। मगर हजरत इब्राहीम ने पुकारा, दुनिया भर में आवाज गई या नहीं गई, एक आलम से दूसरे आलम, माँ के पेट में दूसरा आलम, बाप की पुश्त तीसरा आलम, आवाज़ गई या नहीं गई, दुनिया से आलम अरवा में गई या नहीं गई। तो अल्लाह फरमाता है जब कोई मेरा प्यारा बन जाता है उसकी जबान मैं बन जाता हूं, उसके कान, फिर उसके लिए फासला कोई चीज नहीं है। हम कराची से पुकारें, गौस पाक सुनते, एक तो ये दूर और नज़दीक की बात तय हो गई, वरना वाकया सुनाने में कसीदा बुरदा सुना दूं। हजरत इमाम बोसीरी बिस्तर से पुकार रहे हैं, या अकरमल खल्क, या भी कह रहे हैं, अकरमल खल्क भी कह रहे हैं, ऐ अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा इज्जत वाले नबी, सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं।
वो लोग जो कहते हैं मदीना मुनव्वरा जाके सलाम करो तो सुनते हैं, कराची से करो तो नहीं सुनते। उनको जिलाउल अफहाम पढ़ लेनी चाहिए, उनके अपने बड़ों की किताब है। अल्लामा इब्ने क़य्यम ने हदीस नकल की है, लैस मिन अब्दिन युसल्ली अलैया इल्ला बलगनी सौतुहु हैसु काना। अब्दिन ग्रामर के लिहाज से नकेरा है, लैसा नफी, नफी के तहत आया है, तो अब माना क्या होगा? कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं, अब उससे कोई खारिज नहीं होगा, कोई एक भी ऐसा नहीं वो कहीं हो वहां से वो अगर मुझ पे दुरूद भेजता है उसकी आवाज मुझको पहुंचती है। नहीं नहीं, उसी किताब तबलीगी निसाब का हिस्सा फजाइल दुरूद शरीफ, उसमें हदीस मौजूद है। मैं उस किताब का हवाला इसलिए दे रहा हूं कि वो भी मान ले कि उनके अपने बड़ों ने लिखी है, उसमें हदीस मौजूद। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने मेरी कब्र पर एक फरिश्ता मुकर्रर किया है जिसको तमाम मखलूक की आवाज़ सुनने की ताकत दी है, तमाम मखलूक की आवाज़ वो फरिश्ता ऊंची कही है। फरमाया जो कहीं जहां कहीं से मुझ पे दुरूद भेजता है वो फरिश्ता सुनता है, उसका उस बंदे का नाम लेकर, उसके बाप का नाम लेकर उसके अल्फाज में मुझे दुरूद पहुंचाता है। आप में से कितने हैं जो दुरूद पढ़ने से पहले कहते हैं मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है, ऐ फरिश्ते मैं दुरूद पढ़ने लगा हूँ? आप में से कितने हैं जो ये ऐलान करते हैं? पूछ रहा हूँ, कोई भी नहीं। वो फरिश्ता आपको जानता है, आपका असली नाम क्या है पहचानता है, आपका वालिद कौन है जानता है। आप मुंह मुंह में पढ़ रहे हैं, माइक नहीं है, स्पीकर नहीं है, आप आवाज़ ऊंची लगा के नहीं पढ़ रहे, आपके मुंह से सांस की आवाज़ में आप दुरूद पढ़ रहे हैं, वो फरिश्ता सुन रहा है। जब कब्र पर मुकर्रर गुलाम दरबान की ये शान है, आका की कितनी शान हो। समझ आ रही है बात? मगर जिन्होंने नहीं मानना वो नहीं मानेंगे, कुछ भी कर ले आप। हालांकि इनकी अपनी किताबों में ये सारी बातें मौजूद हैं। अल्लाह वाले मरते नहीं, अल्लाह वाले ऊंची कहिए। गंगोई साहब ने लिखा है औलिया शुहदा के हुक्म में है, जिस तरह शुहदा को मुर्दा कहना मानना सोचना दुरुस्त नहीं, इसी तरह औलिया के लिए उस शुहदा के हुक्म में है। और मैंने ये सारे हवाले नकल किए हैं। शहीद को न मुर्दा कहो न मुर्दा सोचो, कलिमा पढ़ने वाले की तो ये शान हो, और जिसका कलिमा पढ़ा जाए उसके लिए कहें वो सुनता नहीं है, वो जिंदा नहीं है, तुम्हारा ईमान कहाँ है? तो हम पुकारते हैं करीब से भी दूर से भी, जिंदा को भी, पर्दा कर जाने वाले को भी। अल्लाह फरमाता है उनके कान मैं बन जाता हूँ, वो अल्लाह की अता से सुनते। अब वही जवाब देगा जो मानता है, जो नहीं मानता चुप रहे। अल्लाह वाले अल्लाह की अता से सुनते हैं, बाद अज वफात भी सुनते हैं। एक नहीं पचास दलीलें, मगर जिन्होंने नहीं मानना नहीं मानना। जो कहते हैं बाद अज वफात मदद नहीं करते तो फिर पांच नमाजें क्यों पढ़ते हैं, पचास पढ़ें? पैंतालीस मुआफ हुई हैं वफात पाए हुए नबी की मदद से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2000 साल पहले वफात पा चुके, छठे आसमान पर उन्होंने मदद की या नहीं की, वसीला बने या नहीं बने। कुरान से दलील पेश करने के बाद जरूरत नहीं रहती किसी दलील की।
कहते हैं मुर्दे को मत पुकारो, जिंदा को पुकार लो, मुर्दे को मत पुकारो। आइए कुरान से पूछते हैं, इधर उधर से नहीं, कुरान से। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बी अरिनी कैफ तुहयिल मौता, ऐ मेरे रब मुझे दिखा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा। काला अवलम तुमिन, अल्लाह ने फरमाया क्या तुम्हारा ईमान नहीं है? कजी बला, बेशक ईमान है। वला किल्लियत मइन कल्बी, मगर मैं इत्मीनान कल्ब के लिए, क्योंकि नमरूद से मुकालमा हो चुका था, उसने कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ मारता हूँ, तो हज़रत इब्राहिम ने चाहा आने वाली नस्लों को पता चल जाए जिंदा करने का मतलब क्या है। या अल्लाह दिल के इत्मीनान को पूछ रहा हूँ, फरमाया चार परिंदे ले लो, फखुज अरबातम मिन तैर, उड़ने वाले परिंदों में से चार, एक जैसे चार नहीं अलग अलग, मिन तैर है ना परिंदों में से, तो चार मुख्तलिफ परिंदे ले लो, ज़बा करो, खाल उतारो, पेटा साफ करो, जो उनके रगे होती हैं सारी पेट साफ करके, उन चारों का गोश्त मिक्स करके कीमा बना दो, ना पता चले कौन सी बोटी किसकी है। हो गया, पहाड़ के चार किनारों पर रख दो, कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर कुछ उधर, कुरान पढ़ रहा हूं। पहले परिंदे लो, अपने आप से बहला लो, मानूस कर लो, फसर हुन के अल्फाज, अल्लाह फरमाता है उनका गोश्त करके चारों किनारों पे रख दो, सुम्मदउहुन्ना, ये लफ्ज काफी है अगर समझ आ जाए, सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको पुकारो, फिर उनको जोर लगाएं, फिर उनको अपने हाथ से तुमने ज़बा किया है, खाल उतारी है, पेटा साफ किया है, बोटी बोटी कर दी है, वो जिनकी जान निकल गई टुकड़े टुकड़े हो गए, अल्लाह फरमाता पुकारो। जो कहते हैं मुर्दों को पुकारना, जरा मैले मुझे इसका जवाब दे, मैं कुरान पढ़ रहा हूं और कोई बात नहीं, सुम्मदउहुन्ना, उनको पुकारो, या तीन का साया, दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। आवाज हो ऐसी, मुंह हो ऐसा, पुकारो आ जाएंगे, पुकारो पुकारो आ जाएंगे, जिंदा होकर दौड़ते हुए आएंगे तुम्हारे पास। पता चला अल्लाह वाले की पुकार में बड़ी जान है। लेकिन जो कहते हैं मुर्दा को नहीं पुकारना, मैंने कुरान से जवाब दिया, बोलें आगे क्या बोलना। हमने तो देखा हुआ है, ये तो सिर्फ बातें करते हैं। मेरे वाले साहब क़िबला के पीर व मुर्शिद शेर रब्बानी हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला, लाहौर से 20 मील का फासला शरकपुर शरीफ, पहले कस्बा था अब तो अच्छी खासी बस्ती है। हजरत साहब ने अपने दीवार पर, मस्जिद की दीवार पर लिखा हुआ था, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, नक्शबंदी है मगर गौस पाक का नाम लिखा हुआ था। एक शख्स आ गया जो उसी मिजाज का, वहाबी मिजाज का था, उसने वो पढ़ा तो कहने लगा ये तो शिर्क है। हजरत साहब की बैठक, बैठक आजकल आप ड्राइंग रूम कहते हैं अरबी में, गुरफतुल जुलूस, बैठने का कमरा जो होता है, वहां पर आके जो लोग बैठे थे उनको सामने बैठ के इसी तरह बड़बड़ाता रहा, शिर्क है ये, इस तरह गलत है। हजरत साहब ऊपर जो अपनी बैठक के ऊपर जगह थी जहां आप लेटते थे जाकर, वहां से सीढ़ियां थी बैठक में आते थे,
ये जब बहुत ज़्यादा शोर कर चुका, हज़रत साहब तशरीफ़ लाते थे, आपकी आदत नहीं थी, मगर उस दिन सीढ़ियाँ उतरते हुए फरमाया, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, यानी उतरते हुए ये कहना आदत नहीं थी, उस दिन ये फरमाया। वो जो शोर कर रहा था वो एकदम, उसको पता नहीं क्या करंट लगा, उसके जितने सुराख थे जारी हो गए, पूरे जिस्म में जितने सुराख थे सारे जारी हो गए, उसने तो गंद डाल दिया। हजरत साहब सीढ़ियां चढ़कर वापस चले गए, फरमाए साफ कर लो फिर आते हैं। उसको जब थोड़ा सा सुकून हुआ, उसको पानी वानी डाल के धोया नहलाया, उसके कपड़े वगैरह साफ किए, दूसरे कपड़े दिए, उसको आराम से बैठा हुआ था। जब वो थोड़ा उसको सुकून हो गया, लोगों ने कहा क्या हो गया था तुझे, बड़ा शोर कर रहा था तू, हो क्या गया तुझे, ये देख तूने क्या हाल किया है, हमें पूरा कमरा धोना पड़ा है, तुझे भी धोना पड़ा, अपने भी आपको जी, हम पर जो छींटे पड़े सारे साफ करने पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़ी, हुआ क्या था। उसने कहा मियाँ साहब जब उतरे और उन्होंने ये कहा, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह, गौस पाक सामने आ गए, उनकी हैबत से मेरा ये हाल हो गया। उन्होंने कहा कोई हमें पुकारे हम आते हैं, मगर पुकारने वाला भी तो कोई इन जैसा हो। अब बताओ ये चश्मदीद वाकया, जितनों ने देखा उनको किसी दलील की जरूरत है ऊंची, मैं अभी पुकार दूंगा नहीं दूर है मदीना, सच्चे दिल से कोई पुकारे तो सही। हम उनको माबूद समझकर नहीं पुकारते, महबूब समझकर पुकारते, प्यारा समझ के पुकारते, वो अल्लाह की अता के मजहर हैं, अल्लाह के जलवे हैं नबियों वलियों में। आ गई समझ बात, ऊंची दूर नजदीक जिंदा मुर्दा समझ में आ गई ऊंची। मगर जिन्होंने नहीं मानना उन्होंने नहीं माना। घर बनाए हुए हैं मकड़ी के तारे, तारे तारों की तरह कमजोर घर, उनमें खुद ही फंस जाएंगे। नबी वली को शान देने वाला अल्लाह है, हम नबी वली के लिए खुद का जाती कमाल नहीं मानते, अल्लाह का अता किया हुआ मानते हैं। और अल्लाह की अता जाहिर है या नहीं है ऊंची। मुर्दे जिंदा करना, हजरत ईसा का बयान मौजूद, वह उहयिल मौता, मैं जिंदा करता हूं मुर्दे को। उहयी कौन सा सीगा है, कौन सा टेंस है, आवाज आई है किसी की, सीगा वाहिद मुतकल्लिम, मैं करता हूं, मगर साथ फरमा दिया बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, उसकी अता से, उसकी इजाजत से। कुरान भरा हुआ है मगर इनको समझ में नहीं आएगा, क्यों, वो समझना नहीं चाहते। अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, कुरान भी कह रहा है गौर क्यों नहीं करते, तदब्बर क्यों नहीं करते, क्या दिलों पे ताले लगाए हुए हैं। तो फिर जिनके मोहरे लग गई हैं उनको समझ में नहीं आता। याद रहे, याद रहे, एक इंसान से पूछो वो कहेगा तरबूज, अदवाना, मतीरा, वाटरमेलन खाओ तो ठंडक मिलती है, काजू, कैशोनट खाओ तो गर्मी आती है, मानते हैं ना, पूछ रहा हूं ऊंची। तो वो तरबूज गर्मी पहुंच, सर्दी गर्मी या काजू पहुंचाते हैं, किसने तासीर रखी है ऊंची,
तो जो अल्लाह इन चीजों में तासीर रखता है वो अपने बंदों में नहीं रख सकता। फला चीज खाओ ये फायदा होगा, फला चीज खाओ यूं होगा, ये तबीब हकीम कहलाने वाले बताते हैं, डॉक्टर बताते हैं। जी पानी पियो तो प्यास बुझेगी, फला होगा। जी खाना खाओ तो ये आएगा, चावल से ये, गंदम से ये, जौ से ये, एक एक चीज के जनाब फायदे बताते हैं, पूरी पूरी लिस्ट बनाते हैं। ये तासीर किसने रखी है? अब मुझे बताओ, तरबूज आला मखलूक है या नबी वली आला मखलूक है? तो जो रब फलों में तासीर रख रहा है वही अपने प्यारों में तासीर रख रहा। नहीं नहीं, शैतान मस कर दे, मस मस करने का मतलब टच कर दे, छू दे। मानते हैं कि कुरान में है शैतान टच करता है, असर होता है, तो उस शैतान के असर को मानते हो, नबी वली के असर को क्यों नहीं मानते? नबी वली जिसको छू दें उसकी तासीर जानते हो? एक साहबी कहते हैं, हुजूर ने मेरे चेहरे पे हाथ फेरा, मैं 90 साल का हो गया, मेरा चेहरा तरोताजा ही रहा। किसी के चेहरे पे हाथ फेर दिया, खुशबू ही नहीं जाती। वाकयात पढ़ने हो मेरे वाले साहब, किबला की किताब जिक्र जमील पढ़े, आपकी आंखें खोलें। तो ये जो इनकार करने वाले हैं, जान लें कि हम अल्लाह के सिवा किसी को इबादत के लायक समझकर पुकारते नहीं, प्यारा समझ के पुकारते हैं या वैसे पुकारते हैं। हाँ, इबादत के लायक समझकर किसी को पुकारेंगे अल्लाह के सिवा तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं। सीधी सी बात, हम अल्लाह के वलियों को अल्लाह की आता का मजहर समझते हैं, उनमें अल्लाह ही के जलवे हैं, रब की ही दी हुई ताकतें हैं, उनका कोई अपना जाती कमाल नहीं। मैंने कहा ना वाकयात पे जाऊं तो कितने वाकयात खुद इनकी किताबों से, मेरी किताब पढ़ लें मजारात और तबर्रुकात, वही पढ़ लें। जो कहते हैं बाद अज वफात कुछ नहीं होता, पढ़ लें मेरी वो किताब। शाह वलीउल्लाह के लिए थानवी साहब लिखते हैं, मैं वलीउल्लाह ही हूँ, मैं वलीउल्लाह ही हूँ। क्या मतलब? हजरत शाह वलीउल्लाह के मुताबिक, उनकी तालीमात का पैरोकार, उनके अकीदों के मुताबिक हूँ। जगह जगह लिखते हैं वो शाह वलीउल्लाह, अपनी किताब अनफासुल आरिफीन असल फारसी में है, उर्दू तर्जमा। ये काम आप बाहर भी कर सकते थे, नहीं यहां आके ऑफ किया है ना आपने। आपको मस्जिद का कोई एहतराम होता, आप बाहर से करके आते। दुरूशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हजरत शाह वलीउल्लाह अपनी किताब अनफासुल आरिफीन, उर्दू तर्जमा भी इन्होंने किया है। वो फरमाते मेरे वालिद शाह अब्दुर्रहीम साहब हजरत कुतुब साहब की जियारत को गए। हज़रत सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ओशिका की, उनका मज़ार है दिल्ली में। शाह अब्दुर्रहीम साहब हुए अभी को 200 साल हुए हैं, हज़रत कुतुब साहब को 700 साल हो गए, कितने साल हो गए। उनकी कब्र पर गए, ज़ियारत को गए, तो दिल में ये सोचा कि क्या इनको पता है मैं आया हूँ? कुतुब साहब को पता है कि मैं आया हूं? तो कुतुब साहब की रूह जाहिर हुई, कुतुब साहब की रूह जाहिर हुई और जवाब दिया। बड़ा मशहूर शेर है, मरा जिंदा पिंदार चूखेश तन, मन आयम बजा गर तू आई बतन। बड़ा मशहूर शेर है। और ये सोचने वाले कि मुझे पता है या नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। तू अगर जिस्म के साथ आया है, मैं जान के साथ आया हूं।
मैंने अभी हवाले पूरे देने शुरू नहीं किए, मैंने कहा ना मेरी किताब पढ़ ले, उसमें इन्होंने खुद लिखा है। बल्कि गंगोई साहब कहते हैं औलिया की करामात में उनकी वफात के बाद इजाफा होता है, कमी नहीं होती, उनके तसर्रुफात अपने हाल पर बाकी रहते हैं। मैंने ये हवाला भी नकल किया। तो जान लो अल्लाह वाले मरते नहीं, एक जहान से दूसरे जहान में जाते हैं। इन्हीं की किताब में एक वाक्या लिखा हुआ है, कोई उर्स था किसी का, वहां पर कवाली हो रही थी, तो एक बुजुर्ग थे वो इंतकाल कर गए, तो वो उनके पास दो आदमियों की ड्यूटी लगा दी कि भाई तुमने देखना है, अभी आते हैं गुसल वगैरह करके इनके साथ मामला करेंगे, तुम यहाँ ठहरो। वो जो दोनों बिठाए हुए थे वो सोच रहे थे कि जी ये अभी इंतकाल कर गए, इनका इंतकाल ना होता हमारी ड्यूटी नहीं लगती, हम भी जाते और उसमें शिरकत करते, कवाली सुनते, ये करते वो करते। वो आपस में बातें कर रहे थे, इनकी किताब में लिखा हुआ है। तो वो जो वफात पाए हुए बुजुर्ग थे वो उठ के बैठ गए, कहने लगे जाओ तुम जाके शिरकत करके आ जाओ, मैं फिर मर जाऊंगा। मैं इसीलिए इनसे कहता हूं हमें छेड़ो ना, हमने तुम्हें छोड़ना नहीं है। हम गौस पाक को पुकारते हैं तो गलत पुकारते, सही पुकारते हैं, उनको अल्लाह का प्यारा समझ के पुकारते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको शान अता की है अपने वलियों को, वो सुनते हैं, वो देखते हैं, वो मदद करते करते। थानवी साहब खुद लिखते हैं अपने पीर साहब के बारे में, हम जब ये करामत बयान करें गौस पाक के बारे में तो इनको तकलीफ होती है। थानवी साहब ने अपने पीर की लिख दी है, इमदादुल मुश्ताक उठा के देख लो, आग बोट यानी ये जो मोटर के साथ कश्ती चलती है उसमें मुरीद सवार थे आजी इमदादुल्ला साहब के। आजी इमदादुल्ला साहब का अचानक जनाब हुजरे से निकले, अपनी चादर दी कि ये उस चादर में से समंदर के पानी की बू आ रही थी, धो दो इसको। हुआ क्या है पूछा, मालूम हुआ कि मुरीदों ने पुकारा था, हजरत साहब समंदर में जाकर उनकी मदद करके आए थे, भीग गई थी चादर, वो धोने को दी। ये थानवी साहब लिख रहे हैं। हम अगर कहें कि गौस पाक ने बगदाद में बैठे बैठे डूबते जहाज को पार लगाया तो फतवे लगाते हैं, तुम अपने घर में तो पहले पढ़ लो। अल्लाह वालों को प्यार से पुकारना गलत। अल अदबुल मुफरद किताब का नाम है, लिखने वाले कौन है, इमाम बुखारी, जिनकी बुखारी शरीफ मशहूर है, इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वरदियान हो, बुखारी शरीफ बुखारी, उन्हीं की किताब अल अदबुल मुफरद, उसमें ये हदीस लिखी हुई है। हजरत इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का पांव सो गया, सुन हो गया, नम हो गया। साथियों से उन्होंने कहा मेरा पांव सो गया, आप में से कोई होता जी इसको हिलाओ जी, जरा दबाओ जी, ब्लड सर्कुलेशन खून का दौरान ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, हम तो यही करते हैं ना आपस में। हदीस लिखी है, साथियों ने कहा जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसको पुकार, जो सबसे ज्यादा प्यारा है उसको। सहाबी ने माँ को नहीं पुकारा, बाप को नहीं पुकारा, बीवी को, बेटी को, बेटे को, बहन को नहीं पुकारा, फौरन नबी पाक को पुकारा, इधर पुकारा उधर वो ठीक हो गया। तुम कहते हो या नहीं कहना, पुकारना नहीं है, जवाब दो इस हदीस का, नहीं चलो आओ तुम्हारी किताब अल बिदाया वन निहाया, अल्लामा इब्ने कसीर की किताब। हम तो उनको आलिम मानते हैं, ये उनको बहुत ज्यादा मानते हैं, इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कय्यम, इब्ने कय्यम का शागिर्द इब्ने कसीर, उसकी किताब अरबी में उर्दू तर्जमा भी इन्होंने ही छापा है, बाजार में मिलता उठाओ देख लो। मुसैलमा
जिसने नबूवत का झूठा दावा किया था, जिसको कज़्ज़ाब कहा जाता है, कज़्ज़ाब का मतलब बहुत ज़्यादा झूठा, मुसैलमा कज़्ज़ाब, उसके मुकाबले पे हज़रत अबू बकर ने लश्कर भेजा मुकाबले के लिए। जब मुकाबले के लिए लश्कर गया, जंग हुई, तो दोनों तरफ से नारे लग रहे थे, उधर से भी अल्लाहु अकबर, इधर से भी अल्लाह, पता कौन कैसे चले कौन मुसलमान, वो भी अल्लाहु अकबर कह रहे थे, ये भी अल्लाहु अकबर कह रहे थे। अलबिदाया व नहाया, किताब देखो। मुसलमानों ने कहा हमने क्या करना है, उन्होंने शियारोहुम के लफ्ज लिखे हैं। उस दिन मुसलमानों ने या रसूल अल्लाह का नारा लगाया। कौन सा नारा, कौन सा नारा, या रसूल। फर्क हो गया, पता चल गया कि वो कज़्ज़ाब वाले कौन हैं और नबी वाले। अगर या कह के पुकारना गलत, हुजूर पर्दा फरमा चुके, दूर से या रसूल अल्लाह कह के पुकार रहे हैं, हिम्मत है तो फतवा लगाओ, लगाओ ना। फिर हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की, कुल्लियात इमदादिया, उनकी पूरी किताब शायरी की है उन्होंने, जगह जगह या रसूल या रसूल, नहीं नहीं पीरों को पुकारा है उन्होंने इसी तरह या कह के। खुद थानवी साहब ने, मैंने आपको कितनी मर्तबा उनके शेर सुनाए, वो पुकार रहे हैं। फतवे लगे तो फिर सब पर, ये तो नहीं है ना कि हमारे लिए फतवा और खुद करें तो जायज़, ये हो सकता नहीं। तो पता चला अल्लाह वालों को प्यार से पुकारना गलत। ऊंची कह दें तो, चूंकि ये आयत आई और इत्तफाक से ग्यारहवीं शरीफ का मौका करीब है, तो मैंने आपको ये मसला सुना दिया। हम या रसूल या अली या गौस के नारे लगाते हैं तो गलत नहीं, गलत नहीं है। बाकी आपको जो कहा ना, हेर फेर करते हैं जी, करीब से सुनते हैं दूर से नहीं सुनते, या जिंदा सुनते हैं मुर्दा नहीं सुनते, मैंने उसका भी जवाब आपको दे दिया, इन्हीं की किताबों से दे दिया और कुरान से भी बता दिया। मोमिन को अब कोई शक नहीं रहना चाहिए। हम अल्लाह, अच्छा जी अगर इस तरह की बात है ना, तो मेरे पास अकली दलीलें भी हैं, फिर क्या करोगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि तुमने नहीं मानना ना मानो, मगर हम मानते हैं, हमको गलत ना कहो। हम पे एतराज करोगे तो फिर हम जवाब जरूर देंगे, फिर हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमने मुसलमानों को मुशरिक बनाना शुरू कर दिया। मुसलमानों की शान तो ये थी कि वो अंधेरे से नूर में लाते थे, तुम नूर से अंधेरे में ले जाना चाहते हो। ये काम तो मुसलमानों का नहीं है जो तुम कर रहे हो। मुसलमान औलिया ने क्या किया, काफिरों मुशरिकों को मुसलमान बनाया, और ये सारे क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को काफिर मुशरिक बना रहे हैं, ये हाल है इनका। अल्लाह ताला इनसे बचाए। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नल्लाहा यालमु मा यदउन मिन दूनिही मिन शय, बेशक अल्लाह जानता है जिस चीज की उसके सिवा ये पूजा करते हैं, पुकारते हैं या पूजा करते हैं, दोनों मानों में याबुदून और यदउन। ये कहते हैं जी इससे मुराद पुकारना है, मैंने उसका भी जवाब दे दिया। अल्लाह के सिवा जिसको पूछते हैं उसका भी मैंने जवाब दे दिया। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही इज्जत वाला हिकमत वाला है। दुनिया में जो कुछ आके नखरे कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, तो तुम्हारा अगर काम यहां तोड़ो जैसे कैसे तुम चला रहे हो, तो क्या समझते हो अल्लाह को पता नहीं है। वो खूब जानता है, वो बड़ा जबरदस्त, उसके सामने कोई दम मार सकता। क्या करोगे कयामत के दिन, कैसे जवाब दोगे, सोचो। आज हक को तस्लीम कर लो, हक मान लो, तो
बचत हो जाएगी। कल मानोगे, कल का मानना काम नहीं, याद रखना। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नास, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं, वमा याकिलुहा इल्लल आलिमून, और इन्हें वही समझते हैं जो इल्म वाले हैं, इल्म वालों के सिवा बाकी समझते इल्म नाफे अक्ल सलीम, वरना बात समझ में आती नहीं। خلق الله السماوات والأرض بالحق, अल्लाह ने आसमान और जमीन हक बनाए। क्या मतलब बेकार अल्लाह ने कुछ बनाया? जमीन का होना भी हक है, आसमान का होना भी हक है। इन्ना फी ज़ालिका लाआयतन लिल्मुमिनीन, बेशक इसमें निशानी है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने आसमान भी बनाए और ज़मीनें भी बनाई, उसकी हिकमतें वही जानता है। हमें तो आज तक ज़मीन से क्या मिल रहा है, आसमान से क्या मिल रहा है, साइंस मिलकर अभी पूरी तरह मालूम नहीं कर सकी। ज़मीन से क्या क्या चीज़ें निकल रही है, हैरान है दुनिया, हैरान क्या क्या निकल रहा है, उससे आगे क्या क्या बन रहा है। सिर्फ मिट्टी से कितनी चीज़ें बनती हैं आपके पास, कराकरी है, कराकरी बर्तन तरह तरह के किससे बने हैं? मट्टी से। मैंने चश्मा लगाया हुआ, ये गिलास किससे बना? मट्टी से। कितनी चीजें बन रही हैं मट्टी से। आसमान से क्या क्या मिल रहा है, ये सैटेलाइट लगाने लग गए, ये जमीन से मिनरल्स मादनियात निकाल रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। तो पहचानो ना किसने बनाया है, उस रब को पहचानते क्यों नहीं हो? इसमें निशानियां हैं। गौर करने वाले ईमान वाले जब गौर करते हैं, क्योंकि नफा ईमान वाले पाते हैं, इसलिए यहाँ ईमान वालों का जिक्र। बाकी तो सिर्फ अपने लिए कि जी हमें ये मिल जाएगा, ये ईमान वाले हैं। मेरा रब इतनी शान वाला, क्या क्या उसने बनाया, क्या क्या फायदे हैं, हैरान होता है। तो फायदा उठाने वाले, अब माश का मसला हो, हमारी गुजर बसर का मसला हो, सोना जागना लेटना उठना बैठना, ज़मीन से कितने फ़ायदे, फ़ज़ा से कितने फ़ायदे, अल्लाह ने हक के साथ कि ये अल्लाह के जलवे हैं, देखो और रब को पहचानो, ये ज़मीन व आसमान की तख्लीक निशानी है। ईमान वालों पहचानो, रब को पहचानो, अल्लाह के सिवा ये कोई बना सकता, ऐसा हो सकता नहीं। एक हिकायत लिखी है अल्लामा इस्माइल हकी रूहुल बयान वालों ने, कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपना जो कमरा था जिसमें वो बैठ के इबादत करते थे, वहां दाखिल हुए तो एक छोटा सा कीड़ा देखा, वहां वर्म कहते हैं इंग्लिश वाले, कीड़ा देखा। उसकी बनावट, डूब गए उसमें, है इसकी बनावट कैसे हुई है? फिर ख्याल आया कि रब को इसके बनाने की क्या जरूरत थी, अल्लाह ने कीड़े को बोलने की ताकत दे दी। वो कीड़ा बोला, ए अल्लाह के नबी, आप मेरी शक्ल देखकर हैरान हो रहे हैं कि मेरी बनावट कैसी है, आपको आपके उजूब नफ्स ने, ये जो आपका नफ्स है ना, उसने आपको घेर लिया है। मैं छोटा हूँ लेकिन मैं जितना जिक्र अल्लाह का और शुक्र करता हूँ बंदे नहीं करते,
मेरा जिक्र और शुक्र बंदों को पता नहीं है, सुनाई नहीं देता है, मगर मैं जितना जिक्र और शुक्र करता हूँ वो उतना बंदे। कौन सी चीज़ रब ने कैसी बनाई। मुझे इत्तफाक होता है जाने का कभी कभी पहाड़ों में, दूसरे इलाकों में। फगवाड़ी मरी के करीब आगे एक इलाका, वहाँ मैं गया एक मर्तबा। खैरा गली गया, वहाँ पर एक अजीब सा कोई कीड़ा, उसको तरेड्डा बोलते हैं उस इलाके के लोग, उन्होंने उसका नाम, मुझे उसका नाम भी नहीं मालूम उर्दू में या किसी और ज़बान में, तरेड्डा। वो देर तक एक आवाज़ लगाता है। मैंने कहा ये ज़रूर मेरे रब की तारीफ़ कर रहा है। देर तक उसकी एक आवाज़, अगर उसको कोई समझने वाला हो तो पता चले। وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ये तस्बीह करते हैं मगर तुम्हें समझ। मेहरबानी। और मुझे हार पहनाने की बजाय ना किसी को इतने हार के पैसों के खाना खिला दिया करो, ज़्यादा सवाब होगा। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, गुबरीला, ये गोबर में कीड़ा होता है जिसके दो छोटे छोटे सींग होते हैं, अरबी में खुनाफसा कहते हैं, इसकी जमा खनाफिस। एक शख्स ने इस गुबरीला कीड़े को देखा तो उसके मुंह से निकला, अगर अल्लाह इसे ना बनाता तो क्या कमी होती दुनिया में, क्या नुकसान होता। न इसकी शक्ल है, न इससे कोई खुशबू आती है। अल्लाह ने इसको एक ज़ख़म में मुब्तला कर दिया उस बंदे को। जब उसने इतनी बात की, अल्लाह ने उसको एक ज़ख़म में मुब्तला कर दिया। अतिब्बा, तबीब, डॉक्टर उसके इलाज से आजिज आ गए, क्योंकि आपको पता है ना, सॉरी का लफ्ज़ आप कहते हैं, आपके यहाँ इंग्लिश का लफ्ज़ सॉरी कहते हैं ना, डॉक्टर सॉरी कह दे तो क्या मतलब, बंदा ख़त्म। आप सॉरी कह दें तो दोस्ती ख़त्म, और डॉक्टर सॉरी कह दे तो बंदा ख़त्म। डॉक्टरों ने सॉरी कह दिया, ला इलाज, मायूसुल इलाज, मौत का इंतज़ार करो, तुम्हारा इलाज नहीं है। वो मायूस एक दिन गली में ऐलान किया कि किसी ने इलाज कराना हो तो मुझसे रابطہ करो। कोई जिस तरह मुनादी लगती है ना आवाज़ लगाने वाला, उसने कहा किसी ने इलाज कराना हो तो, इसने कहा इसको मेरे पास लाओ, हो सकता है इसके इलाज से मुझे तंदुरुस्ती हो जाए। लोगों ने कहा बड़े बड़े हकीम तेरे इलाज से आजिज आ गए, जवाब दे दिया, ये गली में आवाज लगाने वाला क्या करेगा। तो उसने कहा ले आओ, मुमकिन है आराम मिल जाए। बुलाया गया, जब बुलाया तो उस जो गली में आवाज लगा रहा था उसने उसी कीड़े का नाम लिया कि गुबरीला लेके आओ, वही खुनफसा, वही कीड़ा लेकर आओ। लोग हंस पड़े। बीमार ने कहा, वो बीमार शख्स ने कहा जैसे ये कहता है वैसे ही करो। वो खुनाफसा लाया गया, उसने उसको जलाकर राख बनाई, उस राख को जख्म पे रखा तो बंदा ठीक हो गया। जिस कीड़े के लिए उसने कहा था ना इसको अल्लाह ने क्यों बनाया, ना बनाता क्या कमी होती, उसी कीड़े से इलाज हुआ, तंदुरुस्त हो गया। लोग हैरान हो गए। वो बंदा कहने लगा कसूर मेरा है, मैंने इसको देखकर कहा था ये कीड़ा किस काम का, लेकिन पता चला ये आज बड़े काम का है। कभी कभी समझ देर से आती है। बंदे जो हैं, अल्लाह ने कोई शय बेकार नहीं बनाई। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बयान करता रहूं तो चलता रहेगा, ये 20वां पारा ख़त्म हुआ। अब ईमान वालों के लिए फरमाया कि इसमें निशानी है, ईमान वाले ये हैं कि अल्लाह की
निशानियां देकर रब को पहचानें, उसका शुक्र करें, ना शुक्री जी ये किस काम की, वो किस काम, तुम किस काम के हो। अपने आप को रब की नेमत समझो और उसकी कदर करो। जो चीज़ रब ने जिस लिए बनाई है तुम्हें समझ नहीं आ रही तो कम से कम अपनी पहचान तो कर लो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू में कोई गलती हुई हो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, उसके रसूल की बारगाह में तौबा करता हूँ। आपको मालूम पिछले जुम्मे मैंने कहा था 11वीं शरीफ आ रही है और हम हर साल 11वीं शब में यहाँ जलसा करते हैं। सालाना बड़ी 11वीं शरीफ मनाते हैं। चांद का मसला होता है, अल्लाह की कुदरत है, कभी 29 का कभी 30 का। इस मर्तबा पाकिस्तान में 30 का हुआ। मैंने 6 तारीख नवंबर की वादा कर लिया था, इत्तफाक से वही बड़ी रात आ गई है। पीर इलाही बख्श कॉलोनी में जलसा है, मगर उन्होंने मुझे ये कहा कि वो मुझे ठीक 11:15 बजे फारिग कर देंगे, उससे पहले पहले मेरी तकरीर हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वहाँ से सीधा यहाँ आऊँगा। आप लोगों को वैसे तो बुलाया जाता था इशा के बाद 10 बजे तक आ जाएं, तो 10:30-11 तकरीर शुरू होती थी। इस मरतबा 30 मिनट देर से होगी, आप 11 बजे तक यहाँ तशरीफ ले आइएगा। 11वीं शब होगी, जिसने आना है, आप लोग कहते हैं आते आते नहीं है, मुझे पता है, वही आते हैं मोहब्बत वाले जिन्होंने आना होता है। गौस पाक के नुस्खे वाला हलवा तैयार कराएंगे हम इंशाल्लाह। तौशाए कादरी वो भी होगा, ख़त्म गौसिया होगा। मुख्तसर महफिल बहुत लंबी नहीं करेंगे, लेकिन नागा नहीं करेंगे। आप लोगों ने भी घर घर 11वीं मनानी मनानी है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत पैसे खर्च करें, अल्लाह ने तौफीक दी है तो 11 आदमियों को खाना खिला देना, तौफीक दी है 11 आदमियों को कपड़े दे देना, तौफीक दी है उससे ज़्यादा कर लेना, नहीं दी है तो घर में ही खाना पकाना, घर वाले ही खा लेना, ख़त्म गौसिया पढ़ लेना, 11वीं हो जाएगी। वो भी नहीं है तो एक पानी का गिलास रख लेना, इतनी सी चीनी रख लेना बरकत के लिए, ख़त्म गौसिया पढ़ लेना, 11वीं हो जाएगी। ठीक है, मनानी है हर घर में 11वीं, बच्चों को बताना है 11वीं किसको कहते हैं, और ताकि उनको भी बचपन से याद हो जाए और ये आदत रहे। दूसरों ने मनानी नहीं है, हमने छोड़नी तो 11वीं शरीफ 11 वाले दिन नमाज गौसिया पढ़ें। गौस पाक ने एक नमाज कही है, ज़्यादा नहीं है, 2 रकअतें हैं सिर्फ, 10 मिनट लगते हैं, और फरमाया अल्लाह से दुआ करना मेरा वास्ता दे के जायज़ मुराद पूरी होगी। नमाज गौसिया है, ख़त्म गौसिया हर घर में पढ़ना, अल्लाह ताला उनकी बरकत से हम सब की बख्शिश फरमा दे। इस वक्त दुनिया भर में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला हुजूर गौस पाक के सदक़े मुसलमानों को आज़ादी अता फरमाए, गलबा अता फरमाए। हेलोवीन ये एक रस्म है, गैर मनाते हैं, उनका ये कहना है कि पुरानी रूहें आती हैं तो अगर तुम डरावनी शक्ल बना लोगे, शैतानी शक्ल बना लोगे तो वो भाग जाएंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, तो वो उस दिन अच्छे भले जानवर बन जाते हैं, जानवरों वाले कपड़े या ऐसा लिबास या ऐसी शक्लें डरावनी भयानक बना लेते हैं, ये उनका एक त्यौहार। अफसोस के ये अब मुसलमान मनाने लग गए, और 11वीं 12वीं पे फतवे लगाने वाले चुप, इस पे कुछ बोल नहीं। सऊदी अरब में मनाया गया है पहली मर्तबा, खुद उन्होंने लिखा है पहली मर्तबा वहाँ भी मनाया गया है। बोलो मुसलमानों का जब ये हाल हो जाएगा तो फिर दूसरे, वही बात है ना, वजह में तुम नसारा हो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। खुद मुसलमान ऐसी हालत बना लें तो क्या होगा।
इधर पाकिस्तान में जनाब एक तरफ सैलाब आया, कितने लोग बेघर हुए, कितना नुकसान हुआ। दूसरी तरफ जनाब मार्च हो रहा है, मार्च दीन के लिए ये लोग नहीं निकले। जब नबी की इज्जत के लिए किसी ने मार्च निकाला तो इन्होंने गोलियां चलाई, लोगों के सीने छलनी किए, हैं उनको फसादी कहा, उनको क्या कुछ कहा। अब अपने लिए मार्च निकाल रहे हैं और अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं। जिनकी जान गई है जिम्मेदार कौन है? मैं रात को वापस आया सफर से, मुझे वहाँ गुजरावाला में उन्होंने दिखाई फिल्में जो वीडियो बना लेते हैं, दिखाई कि एक कंटेनर पर सिर्फ नाचने वाली लड़कियाँ चढ़ाई गई ताकि लोग आएं नाच देखने आएं। तो ये आज़ादी मार्च है या फसादी मार्च है, क्या चाहते हैं ये कुर्सी के भिखारी, ये सगाने दुनिया, क्या चाहते हैं ये लोग? ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना था, इनके खेल तमाशों के लिए नहीं बना। और हम गाफिल, लोग कहते हैं नहीं जी ये नजात दहिंदा है, वो खुद आज तक पूरा मुसलमान नहीं बन सका तो आपको क्या नजात दिलाएगा? हमें चाहिए तो कोई हज़रत फारूक आज़म का ग़ुलाम चाहिए, कोई सच्चा मुसलमान चाहिए। अल्लाह ताला इन लुटेरों से, इन चोरों से, इन मुनाफिकों से हमें नजात अता फरमाए। जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जो कुर्सी के लिए तड़प रहे हैं, सब एक जैसे हैं। ये ना समझना कि मैं किसी का हामी हूँ, सब एक जैसे हैं। ये नहीं समझ लें कि कोई उसके खिलाफ बोल रहा हूँ तो इनका हामी हूँ, नहीं। नामूस रिसालत का इनमें से कोई भी पहरेदार नहीं, नबी का इनमें से कोई भी वफादार नहीं है। अल्लाह ताला इस मुल्क को गलबा इस्तेकाम अता फरमाए और अच्छे इसको रहनुमा अता फरमाए। लेकिन जब तक हम नहीं बदलेंगे, ये हमें से ही जाते हैं ना, वो फौज हो, वो अदालत हो, वो पुलिस हो, वो इदारे हो, हम ही में से लोग गए ना, आसमान से तो नहीं उतरे। तो जैसे हम होंगे वैसे वो लोग, हमें चोरी की, शॉर्टकट की, रातों रात अमीर बनने की, हलाल आराम का फ़र्क ख़त्म करने की आदतें पड़ गई हैं। हमें बस ये कि आए माल आए, कहीं से भी आए, कुछ भी हो, किसी को ओहदा चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, सब इसी लिए लगे हुए हैं। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए। बहुत ही अजीब हालात। दूसरी तरफ अहले सुन्नत व जमात में जितने ग्रुप बन रहे हैं, दराड़ें ग्रुप दर ग्रुप, पीरों मौलवियों के अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं और रोज़ बरोज़ बाज़ बिगड़ती जा रही है, उस पर भी बहुत दुख होता है। काश कि ये लोग अल्लाह के लिए एक जगह मिल बैठें और बैठ के अपने झगड़े निपटा लें, मगर ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह से मिल्लत में क्या नुकसान हो रहे हैं ये लोग परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आवाम को कहूँगा कि आप सोशल मीडिया का शिकार मत बने, गलत प्रोपेगेंडे का शिकार। ये जो एक दूसरे के गालियाँ देने में लगे हुए, आपने इसमें हिस्सेदार नहीं। जो सुन्नी है वो हमारा है, जो सुन्नी नहीं है वो हमारा नहीं। हमें सही अकीदे वाले, और अल्लाह ने आला हज़रत फाजिल बरेलवी दे दिए, वो ऐसी तहकीक पेश कर गए हैं कि उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं। तो जो उनको नहीं मान रहा, हम उसको नहीं मान। उन्होंने अपनी तरफ से कोई अकीदा नहीं दिया, हमारे अकीदों की तर्जमानी की है, उम्मत उन पे जमा। तो आज अगर लोग टूटना चाहते हैं तो हम इस टूट फूट का शिकार नहीं होना चाहते। अल्लाह ताला करम फरमाए, मेहरबानी फरमाए। मुतअद्दिद लोग वफात पा जाते हैं एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान, जिनके नाम आ जाते हैं, कभी कभी ले लेता हूँ उलमा में, लोगों में। तो जो ईमान के साथ जितने चले गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और जो बीमार हैं अल्लाह शिफा अता फरमाए। इंशाअल्लाह 6 नवंबर, क्या तारीख थी मैंने, कब, दिन कौन सा है,
इतवार का दिन गुजर जाएगा, रात को ठीक 11 बजे तक आप यहाँ आइएगा, 11वीं शरीफ का इज्तिमा होगा। वालिदैन के इशारे